मैं आज दूसरा बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूँ। कल मैं और एक मामंग ताक्सिंग भाई के साथ डिप्टी कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तालो पोतम साहब से परमिशन लेके जूलंग सेंट्रल जेल में सोशल एक्टिविस्ट लोगों को दोबारा जो डिटेन किया, जैसे कि सोल दौदम, तना तमर, किपा चंपा, मिमी ताबा, ताओ पोल, नाबम संजय, इन लोग को दूसरा दूसरा जगह से ले आके परसों रात को डिप्टी कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपना चैम्बर में उन लोग से बातचीत करते हुए हम लोग ने देखा और बहुत अच्छा लग रहा था कि इन लोग को रिलीज हो जाएगा। बाद में पता चला कि अपवापा के तहत जो 2014 में जो एक्ट बनाया था, इनका अलावा उनको दोबारा किस लिए अरेस्ट हुआ, दोबारा सेंट्रल जेल भेजा। इसलिए मैं कल भाई ममंग ताक्सिंग के साथ जाके भाई सोल दौदम, सिस्टर किपा चंपा, नाबम संजय लोगों को मिला और पता चला कि 7 तारीख रात को अपवाह का तहत उन लोग को रिलीज हो गया था। लेकिन दोबारा उनको जो 2017 फरवरी जो पान अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी के साथ पेरेंट्स और पब्लिक मिल के जो 17 फरवरी को बंद कॉल हुआ था, उसमें उन लोगों कोई कोई उन लोग का जो लीडर लोगों को केस रजिस्टर हुआ था बोला है, उसी केस को 18 इवनिंग को जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का चैम्बर में पेरेंट्स का साथ भाई तादक नालो, भाई तिची पुरू और आंसु टीम के साथ ऑनरेबल सीएम उनका कुछ मिनिस्टर कोलिक के साथ जब बैठक हुआ, नेगोशिएशन हुआ, तो 18 रात को उन कल पता चला कि जो 17 में जो उनका बंद कॉल का तहत जो उनको केस रजिस्टर हुआ था, उसी रात को 18 को केस को नहीं करेगा बोल के रिटर्न में भी दिया बोलता है। लेकिन कल पता चला, बहुत दुख के साथ मैं आप लोग का सामने पब्लिक को अरुणाचल को बताना चाहता हूँ कि जो 2017 में जो 17 फरवरी में जो केस रजिस्टर हुआ, वो केस को दोबारा डाल के इन लोग को अरेस्ट करके रखा है बोला दोबारा। कल भाई सोल दौदम और उनका टीम ने क्लियर कट मुझे बताओ बोला है कि वो लोग जब डीसी साहब से नेगोशिएशन हुआ, तो इन्होंने सबका सामने पब्लिक डोमेन में भी है कि वो लोग बंद कल्चर को सपोर्ट नहीं करेगा बोला। लेकिन सरकार जो गलत नीति करेगा, करप्शन करेगा, ये अच्छा पॉलिसी नहीं करेगा, लोगों का खिलाफ जो पॉलिसी करेगा, अगर ऐसा करता है बोलने से वो लोग कंटिन्यू करेगा बोला है भाई सोल दौदम ने। क्लियर बोला कि बाहर निकल के भी सरकार का खिलाफ कोई भी सरकार आओ, बीजेपी आओ, कांग्रेस आओ, पीपीए जो भी आओ, लेकिन करप्शन और गलत नीति का अगेंस्ट वो लोग आवाज़ उठाते रहेगा बोला। इसीलिए शायद उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तालोक पोतम साहब ने उनको दोबारा रखा गया बोला है। इसलिए भाई सोल दौदम ने बोला है कि आप कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो पब्लिक को बताइए कि हम लोग पब्लिक के लिए आवाज़ उठाया था, आंसू भी था, अपसू भी था, एनजीओ लोग था, सीबीओ लोग था, पन अरुणाचल में शामिल अस्प्रे लोग था, पेनेस लोग था, सब पब्लिक था, तो जब सब लोग ने सपोर्ट किया तो हम लोग भी पब्लिक के लिए आवाज़ उठाया था। लेकिन इलीगली हम लोग को अपवापा में अरेस्ट हुआ, चलो अपवापा से रिलीज हो गया, लेकिन 17 फरवरी में जो बंद कॉल हुआ उसका तहत फिर दोबारा अरेस्ट हुआ। इसीलिए भाई सोल दौदम का क्लियर कट कहना है कि वो सरकार का तरफ से साइन बोन साइन करके निकालो बोलने से वो साइन नहीं करेगा बोला है, वो लोग मरते दम तक जेल में बैठेगा बोला है। लेकिन पब्लिक से पूछो बोला है कि हम लोग ने पब्लिक के लिए है आवाज़ उठाया,
तो हम लोग को पब्लिक कब निकालेगा? सेंट्रल जेल बोलो, कहीं भी जेल में अरुणाचल के अंदर जो भी ये नल एंड वॉइड को लेके, पेपर सेलिंग को लेके जो भी आवाज़ उठाया, जो लोग आज जेल में हैं, इन लोगों को पब्लिक का तरफ पब्लिक कब निकालेगा? सोल दो दो एंड टीम ने क्लियर कट पूछा है, वो लोग बॉन्ड साइन करके नहीं निकलेगा बोला है, और निकलेगा तो भी बर्न कोल को सिर्फ अगेंस्ट करेगा, लेकिन बाकी जैसे धरना, पीसफुल प्रोटेस्ट रैली, पीसफुल रैली, टूल्स डाउन, जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भारतीय संविधान में जो भी अधिकार सिटीजन को, नागरिक को दिया गया है आवाज़ उठाने का, वो सब को वो उठाते रहेगा बोला है। इसीलिए पब्लिक से अपील करो बोला है कि पब्लिक का तरफ से कब निकालेगा? जब तक पब्लिक का तरफ से नहीं निकाले वो जेल में बैठेगा बोला है। अगर सरकार का तरफ से फ्री निकलता है, बिना बोन साइन का निकल देता है तो ठीक है, तब निकालेगा बोला है, लेकिन बोन साइन करके वो लोग नहीं निकलेगा बोला है। ये आपको मैं बताना था। दूसरा, मैं एक अपील करना चाहता हूँ, इनका सपोर्ट में जितना भी सोशल एक्टिविस्ट लोग आज सेंट्रल जेल जोलिंग में रखा है, उनका सपोर्ट में अनकंडीशनल रिलीज के लिए मैं कल एक दिन का टेनिस कोर्ट में, इंदिरा गांधी पार्क टेनिस कोर्ट में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक धरना, पीसफुल धरना बैठूंगा, और आप लोग का माध्यम से मैं पूरे अरुणाचल के वासियों को अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, जो लोग सचमुच अपा एक को लेके, फ्यूचर अरुणाचल के बच्चों को लेके, फ्यूचर अरुणाचल स्टेट के लिए सोचता है, वो जो भी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, पीपीए, टीएमसी, जेडीयू, जेडीएस, आम आदमी पार्टी, एनजीओ, सीबीओ, स्टूडेंट लीडर, अनएम्प्लॉय, बिजनेसमैन, जितना भी अरुणाचल के वासियों से मैं अपील करता हूँ, जो अरुणाचल के लिए सोचता है, कल आप लोग 9 बजे टेनिस को भी मुझे सपोर्ट करने के लिए आइए। मैं कल सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, जिनको 9 बजे तक, 4 बजे तक अनकंडीशनल डिटेनिस के लिए, सोशल एक्टिविस्ट लोग के लिए मैं धरना पे बैठूंगा, आप लोग को मैं ये अपील करने आया हूँ। उसका बाद, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, आज हम लोग का स्टेट अरुणाचल प्रदेश कहाँ जा रहा है? जब से ये अपवापा एक को सोशल एक्टिविस्ट के लोगों के साथ लग गया, सब देखने को मिल रहा है कि अरुणाचल में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। फेसबुक में लिख रहा है, ट्विटर में लिख रहा है, इंस्टाग्राम में लिख रहा है, लेकिन कोई लीड करने वाला नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर एनजीओ, सीबीएल अपने तरीका से लिख रहा है, बोल रहा है, लेकिन कोई लीड करने वाला नहीं मिल रहा है। ऐसे लगता है कि आज अरुणाचल में कोई आदमी ही नहीं है। इसीलिए मैं आप सबको अपील करूंगा, जितना भी एजुकेटेड लोग हैं, अनएम्प्लॉय लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, जो भी अरुणाचल के लोग हैं, कल आप लोग इस अपवापा एक्ट के खिलाफ, और जो फिर इलीगल, जो 17 फरवरी का जो बर्न कोल में जो केस रजिस्टर होके, 18 को जो गवर्नमेंट ने बोला था कि वो केस को नहीं करूँगा, दोबारा नहीं करूँगा, कोर्ट एग्रीमेंट दे के फिर उसके तहत दोबारा इन लोग को डिटेन किया, उसके खिलाफ मैं कल एक दिन का धरना बैठूंगा अनकंडीशनल रिलीज के लिए। अगर रिलीज नहीं करता है आजकल का अंदर, परसों का अंदर अगर रिलीज नहीं करता है, तो दोबारा इंडिफिनिट धरना पे मैं बैठूंगा, और उसी समय भी आप लोग को मैं सहयोग देने के लिए मैं अपील करूंगा। धन्यवाद। दो दम साहब का कहना ये था कि जैसे डीसी साहब का साथ इन्होंने जो बात किया, क्लियर कट पब्लिक डोमेन में भी है, इन्होंने बोला कि हम लोग चलो बर्न कल्चर को बिल्कुल इलीगल हम लोग भी सपोर्ट नहीं करता है। अगर कोई बर्न कल्चर कॉल करेगा, कल को जो भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो अपसू बोलो, अंशु बोलो,
कोई भी सीबीओ एनजीओ एनी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एनी नॉन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी काल से लेके बर्न कॉल करे वो सपोर्ट नहीं करेगा बोला है। लेकिन बर्न कॉल के अलावा जो भी डेमोक्रेटिक वे में जैसे भूख हड़ताल पीसफुल धरना टूल्स डाउन जो भी संविधान में अधिकार दिया गया है उसके तहत जो भी सरकार आएगा चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो कोई भी पार्टी करप्शन करेगा गलत नीति करेगा पब्लिक के खिलाफ काम करेगा आवाज़ उठाते रहेगा बोला है। इसीलिए शायद उनका कहना है कि हम लोगों को दोबारा रखा गया। लेकिन इनका कहना है हम लोग बॉन्ड साइन करके सरकार का जितना भी प्रेशर आने से भी बॉन्ड साइन करके नहीं निकलेगा बोला है। इसलिए पब्लिक से अपील करो बोला है कि पब्लिक के लिए हम लोग ने आवाज़ उठाया तो पब्लिक का तरफ से हम लोग को कब निकालेगा वो लोग इंतजार करेगा बोला है। नहीं ऐसे तो नहीं है, वही तो बात है ना, इन लोग सिर्फ एक चीज़ में वो लोग नहीं देगा बोला है मतलब सपोर्ट नहीं करेगा वो है कि बर्न कॉल। अदर देन बर्न कॉल तो वो लोग जो भी करना है डेमोक्रेटिक के लिए जो संविधान में लिखा है उसके तहत वो लोग चलाते बोला करते रहेगा बोला है। कंटिन्यू करेगा बोला है, सिर्फ बर्न कॉल को वो लोग सपोर्ट नहीं करेगा बोला। अदर देन बर्न कॉल जिस तरीके से भी संविधान में लिखा है सरकार का खिलाफ सिर्फ बीजेपी सरकार नहीं जो भी सरकार काल को आएगा परसों को आएगा करप्शन के अगेंस्ट में गलत नीति के अगेंस्ट में और पब्लिक के अगेंस्ट में जो भी नीति लाएगा करेगा जैसे ये अफवाह जो इलीगल टेररिस्ट अफवाह जो टेररिस्ट के लिए मैंने पहले भी बोला है इनका भी और मेरा भी ये कहना है कि जो ले तुम्ही गंकर जैसे मादर हुआ मादरों को पकड़ना चाहिए इन आज फ्रीली घूम रहा है भाई तादक नालो तिची प्रू मैडम तिली यामा को आज किस लिए एब्सकॉन्डिंग डिक्लेयर करके उनका प्रॉपर्टी सीज करेगा बोल के ये अपवाह एक्ट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से करा रहा है। ये बहुत गलत है क्योंकि ये लोग टेररिस्ट नहीं है आतंकवादी नहीं है सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं पब्लिक के लिए आवाज़ उठाया है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग का तहत आप लोग का माध्यम से मैं तालोक पोतम साहब को भी मैं डिप्टी कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि क्योंकि ये लोग टेररिस्ट नहीं है आतंकवादी नहीं है इसलिए जो भी ऑर्डर पास हुआ इनको कैंसिल करके इनको भी इस अपवाह पाक एक्ट के तहत खत्म कर देना चाहिए। जो भी डिटेनिस अपवाह का तहत तो 7 तारीख रात को जो मीटिंग हुआ डीसी का वो तो खत्म हो गया उसका तो भाई संजय नाभम ने पढ़ के भी सुनाया कि जो 7 तारीख रात को उन लोग का जो मीटिंग हुआ अपवाह का एक का तरफ तहत जो उन लोग का रजिस्टर हुआ था उसका तहत तो रिलीज हो गया बोला। लेकिन 17 फरवरी को जो बर्न कॉल हुआ था पब्लिक का साथ पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी के साथ तो उनका तहत जो 17 में जो केस रजिस्टर हुआ वो केस को लेके दोबारा इन लोग को डिटेन किया बोला है। इसलिए वो लोग अभी बॉन्ड साइन करके नहीं निकलेगा बोला है। पब्लिक को अपील करो बोला है कि पब्लिक का तरफ से उन लोगों को कब निकालने देगा ये बोला है। और ये 17 फरवरी को जो कुछ बहाना नहीं मिला इसलिए 17 फरवरी को क्योंकि उनका जो रीडिटेंशन ऑर्डर में अलग ही कुछ लिखा है कि ये लोग निकालने से फिर दोबारा क्रिमिनल एक्टिविटीज कर सकता है वो मतलब पुलिस का तरफ से कोई ऐसे कुछ उनका इन लोगों को कुछ ऐसे नहीं बोला है बोला है। सिर्फ इन लोग को डीसी साहब आप लोग में सुना होगा डीसी साहब ने बोला कि सेटिस्फेक्शन नहीं है बातचीत से सेटिस्फेक्शन नहीं है बोला है। क्या चीज़ के लिए सेटिस्फेक्शन नहीं है क्योंकि पब्लिक डोमेन में तो बात क्या था लाइव टेलीकास्ट तो हो रहा था लाइव टेलीकास्ट में इन लोग ने भी ये बोला दोदम भाई ने भी ये बोला सोल दोदम ने भी कि हम लोग बंद कल्चर को सपोर्ट नहीं करेगा अदर देन जो भी इलीगल करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेगा बोला है। उसके लिए उनका कहना है उसके लिए हम लोग को दोबारा 17 फरवरी को जो बर्न कॉल हुआ था उसको उस बहाना से उस 17 फरवरी का जो बर्न कॉल में जो केस रजिस्टर हुआ था दोबारा वो केस को डाल के उन लोग को
डिटेन क्या बोला है, इसलिए वो लोग अभी बोन साइन करके नहीं निकलेगा बोला है, पब्लिक की तरफ से निकलने दो बोला है। जब तक पब्लिक की तरफ से निकलने नहीं देगा वो लोग बैठेगा बोला है, या सरकार का तरफ से फ्री छोड़ देगा तब निकलेगा बोला है। इसीलिए मैंने कल उनका बात सुन के अनकंडीशनल रिलीज के लिए मैं डिप्टी कमिश्नर से आज परमिशन लेके और एसपी ईटानगर से एनओसी लेके मैं कल एक दिन का धरना बैठूंगा, पीसफुल धरना, इन सपोर्ट जो लोग डिटेन करके रखा है उनका सपोर्ट में मैं कल एक दिन का धरना बैठूंगा। इसलिए आप लोग का माध्यम से सब अरुणाचली जितना भी लोग हैं जो मुझे आज सुन रहा है, सब लोग कल टेनिस कोर्ट में 9 बजे मैं जब बैठूंगा सपोर्ट करने के लिए आओ बोल के मैं अपील करता हूँ। और एक चीज़ है जो एडी एम आपने जयपुर और नगर नालों को ये अगर सरेंडर एक्सपोंडिंग है जो है सरेंडर नहीं करेगा तो उन लोगों का प्रॉपर्टी को सीज करेगा बाय 19 जून ऐसे डीसी का डीसी का ऑर्डर है। इसीलिए मैं आपको बताया ना इसीलिए मैं आपको पहले भी बोला ना, पहले मैं 2014 अप्रैल को मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ आया तब भी मैंने बोला था और अभी भी मैंने बोला और अभी भी बोल रहा हूँ, ये अफवाह एक 2014 जो है ये देशद्रोही लोगों के लिए है, टेररिस्ट लोगों आतंकवादी लोगों के लिए है, जो मर्डर लूटपाट तोड़ताड़ करने वाला लोगों के लिए, ये सोशल एक्टिविस्ट लोग के लिए नहीं है। तो इसीलिए अभी जो मैडम तिली यामंग भाई तिचीपुरु भाई तादक नालो का अगेंस्ट में जो अफवाह एक लगाया और उनके जैसे जो आज इन लोग का जेल में है क्योंकि बहुत लोगों को रिलीज कर दिया और 7 तारीख शाम को जो मैंने पहले बताया सबको रिलीज हो गया 7 तारीख शाम को रात को, लेकिन दोबारा जो डिटेन किस लिए हुआ बोलने से 17 फरवरी का बन कॉल का समय में जो रजिस्टर हुआ था केस उन लोग का अगेंस्ट में वो केस को डाल के इन लोग को दोबारा रिटेन किया बोला है, डिटेन किया बोला है। इसीलिए अगर 7 तारीख शाम को रात को जब सबको रिलीज कर दिया तो यहाँ में भाई तिचीपुरु भाई तादक नालो मैडम तिली अमंग को दो बार एप्स को नहीं डिक्लार करके उनका प्रॉपर्टी सीज करेगा बोल के मेरे नज़र में मेरे विचार में यहाँ वैलिड नहीं होता है। ये है ये इसमें जो एडवाइजरी बोर्ड होता है ये एक्ट में तो इन लोग जो तना तामर सोल्डर का है इसमें वो ये ऊपर में ये एडवाइजरी बोर्ड अभी तक बैठा है कि नहीं बैठा वो तो मैं कैसे बताऊँ, वो तो डीसी साहब ही जानेगा गुरमी नहीं जानेगा, लेकिन एक बात तो क्लियर है ना, ये जो अफवाह एक्ट जो है मैं बार बार बोल रहा हूँ पहले भी बोला ये तो टेररिस्ट लोग के लिए है ना, ये लोग तो टेररिस्ट नहीं है। तो ठीक है आपने डिटेंशन किया प्रिवेंटिव मेजर जो लेता है आपने 8 तारीख को अरेस्ट किया 9 तारीख को और ये सबसे आपको मैंने आप लोगों को पहले भी बुलाया कि बर्न कॉल जो है 10 तारीख से 12 तारीख 3 दिन था 13 तारीख को कैसे अरेस्ट हो गया, जैसे सिस्टर कीपा चंपा को अरेस्ट हुआ भाई लिखा राजनी को अरेस्ट हुआ भाई राजपाव को अरेस्ट हुआ और 13 तारीख को जब बर्न कॉल जो था आपको तो 12 तक था तो 13 को क्यों अरेस्ट हुआ, फिर 13 तारीख को बहुत से सोशल जो आपका एनजीओ जो चलाता है लोग ऑर्गेनाइजेशंस का जैसे बहुत लोग का है ताना में जाके प्यार बोल लिया है, ये गलत है कि नहीं ये। इसलिए मैं आप लोग का माध्यम से आज जितना भी अरुणाचल में जितना भी लोग स्टूडेंट हैं लोग जानकारी के लोग हैं इन लोग को भी मैं अपील करता हूँ ये अफवाह एक्ट को आप लोग मिल के फाइट करना चाहिए, पब्लिक के साथ मिल के फाइट करना चाहिए आप लोग, क्योंकि हम लोग तो एक साधारण आदमी है, कोर्ट कचहरी का मामला हम लोग मालूम नहीं है। इसीलिए जो लोग लीगल जो एक्सपर्ट लोग हैं मिल के उसको ज्वाइन ली ये अफवाह एक्ट को चैलेंज करना चाहिए क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है, लेकिन अल्ट्रा वायरस है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है, जो 1960 में 67 में 80 में जो भी टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट एक्ट गवर्नमेंट इंडिया ने पास किया वो तो ठीक है, जैसे हम लोग का तिरप चंगलंग में जैसे एनएसी लोग हैं, असम में अल्फा लोग हैं, मणिपुर में पीएलए था है कि नहीं, मिजोरम में कुछ समय पहले एनएफ था एमएनएफ ना मिजो नेशनल फ्रंट, जैसे अंडरग्राउंड लोग के लिए था है कि नहीं। तो जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर में मुस्लिम टेररिस्ट लोग हैं और नक्सलाइट है जैसे आपका तेलंगाना में है छत्तीसगढ़ में है, जो टेररिस्ट लोग के लिए है ये जो एंटी टेररिस्ट एक्ट जो है टेररिस्ट इटसेल्फ एंटी मींस व्हाट। इसीलिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से
सरकार से भी अपील करता हूँ, जो हो गया हो गया, दोबारा ये सब उनको रिलीज करके दोबारा ये एक्ट को लागू नहीं करने से अच्छा है। थैंक यू।